नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। साथियों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो भी हुआ वो अब सबको लगभग पता चल चुका है और कहीं ना कहीं इसमें प्रदेश सरकार के साथ साथ पुलिस विभाग पर काफी सवाल उठे हैं। पुलिस विभाग की जो किरकिरी इस कांड के बाद हुई है, ये पहली बार नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरह की घटनाएं आम होती रही हैं। इसके पहले भी राजधानी लखनऊ में, चाहे विवेक तिवारी का मामला हम ले लें या फिर इसके अलावा कई सारे और जो अन्य मामले हैं, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस विभाग पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन कई सारी कोशिशों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की बेहतरी के दम भरने वाली सरकार इस पुलिस विभाग को क्यों सुधार नहीं पाई, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। बहरहाल, गोरखपुर में जो भी हुआ वो लगभग अब सबको पता है। गोरखपुर कांड के बाद कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित महिला मनीष गुप्ता की पत्नी से मुलाकात की और जो भी संतावनाएं हो सकती थी वो दी गई हैं। अहम बात यह है कि अभी तक वो 6 पुलिसकर्मी जो जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने मनीष गुप्ता को होटल में इस कदर मारा कि उसकी मृत्यु हो गई, वो 6 पुलिसकर्मी ना तो बर्खास्त किए गए हैं और ना ही वो गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस विभाग के ये 6 पुलिसकर्मी कहाँ हैं, ये सवाल तो बना ही हुआ है। लेकिन इसके पहले भी कुछ ऐसे कांड हुए हैं जहां पर अभी भी कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो फरार चल रहे हैं, जिनके बारे में लगभग शायद किसी को नहीं पता कि वो कहाँ हैं। लेकिन वो कोर्ट में आते हैं, वो अपना एफिडेविट फाइल करते हैं या फिर अन्य चीजें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि आखिर वो फरार कैसे हुए और फरार होने के बाद वो कहाँ पर हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या पुलिस विभाग की बात करें। मौजूदा गोरखपुर का जो कांड हुआ उसमें डीएम और एसएसपी के ऊपर भी काफी सवाल उठे हैं, क्योंकि डीएम और एसएसपी ने मौजूदा हालात को देखते हुए पूरे मामले को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने पूरा प्रयास किया था कि पीड़ित महिला जो कि मनीष गुप्ता की पत्नी थी, उसे समझाया जाए, उसके परिवार को समझाया जाए, मामला ना दर्ज होए, एफआईआर ना दर्ज होए। पुलिस ने अपना काम, डीएम एसपी ने अपना काम बेहतर तरीके से किया। उन्होंने जिस तरह से क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश की कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो क्राइम सामने आ जाएगा और एफआईआर दर्ज ना करवाइए ताकि सारा मामला यहीं पर खत्म हो जाए, तो उनकी तरफ से जो प्रयास था वो तो किया गया। लेकिन बहरहाल काफी हो अल्लाह होने के बाद मामला दर्ज हो गया हत्या के धाराओं में। और अभी जो थोड़ी देर पहले खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने डीएम और एसएसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। ये गोरखपुर का नया लेटेस्ट अपडेट है। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि वो 6 पुलिसकर्मी अभी तक कैसे भागे हुए हैं, क्यों उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया। दूसरी चीज, होटल में ये जो कांड हुआ है, ये कांड कैसे हो गया, क्योंकि एक ही कमरा वो ऐसा था जहां पर मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ ठहरा हुआ था और उसी कमरे पर ये पुलिस वाले पहुंचते हैं, वहां पर छानबीन करते हैं, वहां पर बाकी जो कांड होता है वो सबको पता है, मारपिटाई होती है, मनीष गुप्ता की हत्या हो जाती है। सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही वो भी गोरखपुर में कैसे हो गई। 4.5 साल का कार्यकाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शायद कोई भी ऐसा महीना नहीं बीतता होगा जब वो अपने गृह जनपद गोरखपुर नहीं जाते होंगे। विकास की कई सारी योजनाएं गोरखपुर से चल रही हैं। गोरखपुर में बीजेपी ने ये प्रयास किए हैं कि जनता तक और आम नागरिक तक सभी योजनाएं पहुंचाई जाएं। लेकिन इस कांड के बाद क्या वहां पर व्यापारी ठहर पाएगा, क्या लोग जो गोरखपुर घूमने जाते हैं वो होटलों में रुक पाएंगे, ये सवाल खड़े हो गए हैं। और क्या गोरखपुर ही, क्या उत्तर प्रदेश में जो बाहर से टूरिस्ट आ रहा है, जो बाहर से व्यापारी आ रहा है, वो क्या उत्तर प्रदेश के किसी होटल में रुक सकता है? क्योंकि अगर होटल में रात के 12:30 बजे पुलिस पहुंच सकती है, मारपिटाई कर सकती है, जान ले सकती है, तो ऐसे में जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो आखिर उत्तर प्रदेश सरकार पर, उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा कैसे करेगी और वो उत्तर प्रदेश आएगी ही क्यों, सवाल यहां पर यह भी बनता है। बहरहाल, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर लगातार खाकी के ऊपर इतने सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन खाकी अभी भी दागदार होती हुई नजर तो आई है, लेकिन उसके धाग छुपाने की कोशिश भी कहीं ना कहीं ऊपर बैठे कुछ आकाओं ने किए हैं। क्या ये राजनीतिक आका है या फिर प्रशासनिक आका है, जिनको लगातार जिनका संरक्षण ऐसे पुलिसकर्मियों को मिलता रहा है। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सवाल यही पूछे हैं कि आखिर इनको संरक्षण किसका था, क्या ये फरार हुए हैं या फरार करवाया गया, इनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई, इनको अभी तक इनके घर क्यों नहीं ढाए गए। रामगढ़ ताल गोरखपुर का जो थाना है, जहां पर जहां जगत नारायण सिंह जो कि इंस्पेक्टर है, वो एक सिपाही था, सिपाही से वो प्रमोट होते होते इंस्पेक्टर बन गया और
बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 बार ये उस होटल में छापे मारने पहले भी आ चुका था। उस होटल में अब लोग ठहर नहीं रहे थे और जिस रात मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ वहां ठहरा हुआ था उस रात उसी कमरे पर ये जगत नारायण सिंह पहुंचते हैं और उसके बाद जो कांड हुआ वो सबको पता है। तो सवाल यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर इतने सवाल खड़े होने के बाद भी वो कौन लोग हैं जो मामले को दबाने में लगे रहते हैं। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने शुरुआत में इस बात को कह दिया था कि ये जो पूरा मामला हुआ है मनीष की हड़बड़ाहट में हुआ है, मनीष दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, उसी में वो गिर गए और उनको चोट लग गई, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सवाल ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सच बोल रही है या फिर वो अधिकारी सच बोल रहा है। तो आज हम इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब न्याय कब मिलेगा और क्या अब बाकी के जो 4-5 महीने बचे हुए हैं उसमें सरकार की रणनीति क्या होगी। आज की डिबेट शुरू करेंगे लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए और खुद अनुमान लगाइए कि आप किस प्रदेश में हैं और क्या आपके जानने वाले उत्तर प्रदेश में रुक सकते हैं या नहीं। पुलिस और प्रशासन के लोगों का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, डीएम और वहां के पुलिस कप्तान का जिस तरह का व्यवहार उनके माध्यम से हुआ है और दबाव बनाया जाता है कि एफआईआर दर्ज न हो, पीड़ित को न्याय न मिले, जब सरकार उनसे गलत काम करवाएगी, चुनाव में प्रशासन लगकर के चुनाव जिताएगा तो जब उनकी गलती होगी तो कौन छिपाएगा? सरकार छिपाएगी। उनकी गलती इसलिए छिपाई जा रही है, उन्हें इसलिए कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही क्योंकि उनसे चुनाव जीतने के लिए मदद ली गई थी। क्या वहां के पुलिस कप्तान भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार नहीं है क्या? पूरा उत्तर प्रदेश जानता है आज पुलिस कप्तान के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो चीज है जिस पर सूबे के मुखिया सांस रोक रोक कर दम्भ भरते हैं, लेकिन जब उसी मुखिया के गढ़ में एक निर्दोष की पीट पीट कर हत्या कर दी जाए तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है। मामला तब ज्यादा गंभीर हो जाता है जब हत्या कोई और नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को संभालने वाले ठेकेदार करते हैं। मामला तब ज्यादा और गंभीर हो जाता है जब एक के बाद एक इस तरह की हत्याएं सामने आती हैं जिसमें खाकी वर्दीधारी ही हत्यारे निकलते हैं। राजधानी लखनऊ के शहीद पद का एक वाक्या है, शायद आपको याद होगा, जब एप्पल कंपनी के मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या सिपाहियों ने कर दी थी तब भी चर्चा हुई थी कि क्या पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है या हमारी जिंदगी से खिलवाड़ के लिए। आज फिर वही बातें हो रही हैं जब गोरखपुर में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या पुलिस वालों ने कर दी। खैर, अब विपक्ष इस मामले में पूरे फॉर्म में नजर आ रहा है। हर दल का नेता गोरखपुर का दौरा कर रहा है और योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मामले पर घेर रहा है और विपक्ष सरकार को घेरे भी क्यों ना। जब इस तरह का अपराध होता है तो आवाज हर कोने से उठती है और उठे भी क्यों ना। सरकार की हर गलत नीति, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विपक्ष को आवाज उठानी भी चाहिए। बड़ी बात यह है कि जब कोई अपराध होता है तब अपराध होने के बाद मुआवजे और सरकारी नौकरी की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन क्या इतना काफी है? चलिए मानते हैं कि किसी भी समाज में अपराध को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन पुलिस वाले ही अपराध में शामिल हों ये कहां तक ठीक है? क्या इसे भी नहीं रोका जा सकता? क्या ये पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों की नाकामी नहीं है? क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? क्या ये उन जिम्मेदार लोगों की नाकामी नहीं है? मित्र, पुलिसिंग के नाम पर बड़े बड़े बखान करना, बड़े बड़े पोस्टर छपवा कर बताना कि देखो मेरी पुलिस आपकी सबसे बड़ी दोस्त है, इन घटनाओं के बाद ये सब ढोंग सा लगने लगता है।
खैर, जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली तब से उन माफियाओं और बाहुबलियों पर कार्रवाई हुई जिन पर पहले की सरकारें कार्रवाई करने से कतराती थी। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर सूबे में कोई भी अपराध ऐसा होता है जिसका जिम्मेदार सरकारी तंत्र है तो सवाल सूबे के मुखिया से पूछा जाना भी उतना ही लाजमी है जितना किसी अच्छे काम पर उनकी तारीफ करना। बहरहाल, राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था पर मेरा, आपका और दूसरों का क्या कुछ सोचना है वो सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन इस तरह के अपराध आपके सौ अच्छे कामों पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा कर देते हैं। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आज की इस डिबेट में हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, अलग अलग पार्टियों से अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे उनका, अश्विनी शाही हैं बीजेपी से जो पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। इसके अलावा आकाश मिश्रा जी हैं आम आदमी पार्टी से, वो भी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर नवेश शिको हैं हमारे साथ। आप सभी का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो हुआ है ये पहली बार तो हुआ नहीं है, कई बार पहले भी उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती आई हैं, पुलिस पर सवाल खड़े होते हुए आए हैं, लेकिन सरकार की आंखें क्यों बंद रहती है? ये सवाल जो है वो जनता भी पूछती है, मीडिया भी पूछती है, विपक्ष भी पूछता है, लेकिन सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं रहती है। मैं सबसे पहले अश्विनी शाही साहब के पास चलूंगा। सर, आप गोरखपुर से हैं और बताया ये जा रहा है कि गोरखपुर में 4.5 साल में जितना विकास हुआ था उस सारे विकास पर कहीं ना कहीं कालिक पोत दी इन पुलिस वालों ने। विकास हुआ गोरखपुर में, और आज जो ये दुखद घटना हुई है गोरखपुर में, ये 100 अच्छे कामों पर काली पोतने का काम कर सकती है, मगर शासन और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से चीजों के पीछे लगा हुआ है। कहीं से भी 1% की कोताही नहीं होगी। पीड़ित का परिवार भी संतुष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लिया है। देखिए, उनको ये न कहा जाए कि ये उनके शहर का मामला है, उनका पूरा प्रदेश है, 23 करोड़ जनता की बात माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, जो सब उनके परिवार के सदस्य हैं। और ये दुखद घटना हुई है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन आप भरोसा रखिए, जो भी दोषी होंगे, चाहे वो किसी पद पर बैठे हो, चाहे वो कहीं भाग गए हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल नहीं खत्म हुआ है अभी, और चंद पुलिस वालों के इस कुकृत्य के कारण पूरी पुलिस को हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पुलिस वाले हैं जो उनको कहीं ना कहीं से खोज कर निकाले। बिल्कुल, मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि जो हमारे यहाँ पुलिस वाले हैं वो कहीं ना कहीं मेहनत और लगन से काम भी करते हैं, हमारी आपकी रक्षा भी करते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे इस तरह के कांड हो जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस तरह के कांड पहली बार नहीं होते हैं। ये जिन थाना अध्यक्ष की बात हो रही है, जगत नारायण सिंह, इनकी कस्टोडी में 3 लोगों की मृत्यु पहले भी हो चुकी है, क्या उसकी जांच आज तक हुई? नहीं हुई। दूसरी चीज, जब ये पूरा मामला हुआ गोरखपुर का सर, तो आपके डीएम और एसपी साहब क्या समझा रहे थे उस महिला को? ये सवाल अभी भी बना है, उनके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बर्खास्तगी अभी तक नहीं हुई, कैसे ये लोग बीच शहर से फरार हो गए 6 के 6 लोग, इस पर सवाल अभी भी बना हुआ है। तो ये सारे जो सवाल है ये कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर लगातार बने हुए हैं और पूछे जा रहे हैं। नितिन जी, मैं इसमें बताना चाहूंगा, देखिए, बर्खास्तगी अगर तुरंत हो जाती है तो उस पर न्यायालय से तुरंत उनको रिलीफ मिल जाती है, इसलिए बर्खास्तगी नहीं की गई है। लेकिन सस्पेंशन करने के बाद जब गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद प्रक्रिया के तहत उनको बर्खास्त किया जाएगा, फिर उनको कभी नौकरी नहीं मिलेगी, न्यायालय से भी उनको मदद नहीं मिलेगी। ये एक टेक्निकल चीज है जो कि जानना जरूरी है। और ये हत्या हुई है, ये दुखद घटना है, इसकी जांच चल रही है, और जांच में नितिन जी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कहीं से भी, मैं पहले भी मैंने कहा और अभी भी कह रहा हूं, कोताही नहीं बरती जाएगी। क्योंकि आज जो आपने अभी ओपनिंग रिमार्क में कहा है, अभी एक रिपोर्ट आपने जो दिखाई है, उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ये 100 अच्छे कामों पर एक स्याही पोत देता है। आज के दिन में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग इतना बढ़िया काम करके आए थे कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया था, बाहर के व्यापारी आ रहे थे। लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी या हो जाएंगी, इसकी पुनरावृत्ति को अगर हम नहीं रोकेंगे,
तो फिर से हमारे ऊपर 106 कामों के ऊपर ये सवाल उठेगा। कानपुर से मैं कह रहा था गोरखपुर अब कोई व्यापारी कैसे जाएगा, क्या भरोसा जाएगा? नितिन जी जाएगा, गोरखपुर नहीं उत्तर प्रदेश में जाएगा। अच्छा। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, संगठित अपराध होते थे यहाँ। अच्छा। संगठित अपराध को का दमन किया गया है और उसमें मैं आपको कुछ सूची मेरे पास है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लूट की घटनाओं में लगभग 68% की कमी आई है, हत्या में 25% की कमी आई है, वसूली अपहरण 41% की कमी आई है, दहेज हत्या 10% कमी हुई है, बलात्कार में 32% की कमी हुई है। तो ये एनसीआरबी वाले रिपोर्ट कहाँ से भेजते हैं सर? नहीं नहीं ये सीआरबी की रिपोर्ट, देखिए सीआरबी की रिपोर्ट जो जाती है वो अलग है। अच्छा। मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट को आपको बता रहा हूँ। अच्छा, सीआरबी एनसीआरबी की जो रिपोर्ट जाती है। हाँ। देखिए एनसीआरबी में बहुत से डेटा चलते हैं, बहुत सी चीजें चलती हैं, मैं उसको झुठला नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सत्य आंकड़े हैं जो आपको मैं पेश कर रहा हूँ। ये आकाश मिश्रा जी हमारे बगल में बैठे हैं, आम आदमी पार्टी से ये कह रहे हैं ये बीजेपी की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये लोग मानते नहीं। आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी आज आपने संजय सिंह को कहे ना, आज जो है जज साहब ने उनको मानहानि के उसमें नोटिस किया, डीएमएसपी वाला वीडियो ट्वीट किया था, वो माफी मांगेंगे, वो माफी मांगेंगे केजरीवाल की तरह की क्या करेंगे, आज वाले मामले में उनको बोलिए। आपको के ऊपर आरोप लगाने का सुनिए सर, सर सुनिए एक एक करके सर प्लीज। लेकिन वहां जाने के बाद वो 5,000 करोड़ रुपए और कम हो गए और उसपे उन्होंने दावा किया, उसपे कार्रवाई चल रही है, समय आने दीजिए, कितना दावा सही है और कितना गलत है ये समय बताएगा। जवाब देने और दूसरी बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर उत्तर प्रदेश के क्राइम की रिपोर्ट तैयार होती है तो हो सकता है आपके भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और एनसीआरबी का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश आज हत्या में और बलात्कार में नंबर एक पर है भाई साहब, इसको ध्यान दीजिएगा, एनसीआरबी का डेटा देखिए जो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है यहाँ की पुलिसिंग से भी। नितिन जी अगर हमारा समय हो तो कुछ आंकड़े इनके भी दे दें। हाँ सर बोलिए। ये भी बीजेपी ऑफिस में बना है। अरे सुन लीजिए, बीजेपी ऑफिस में तो सब कुछ बना है, आपको दिल्ली से बाहर निकल के आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। इन लोगों ने फ्री वाईफाई की बात की थी दिल्ली में, कहा गया फ्री वाईफाई, फेल। चलिए सर मैं आऊंगा क्योंकि आप लोग फिर मुद्दे से भटकने लग गए, हम जिस मुद्दे पर हैं उस पर बात करें प्लीज, झूठ फैलाने के मुद्दे पर हैं उस पर बात करी जाए तो बेहतर है। मैं आता हूँ टीचर नियुक्ति कहा गई, ठीक है सर मैं आता हूँ। शाही साहब मैं आऊंगा, सरकार बात यहाँ गोरखपुर की हो रही, उत्तर प्रदेश की हो रही, मैं आता हूँ आपके पास, अभी आता हूँ। संजय सिंह जी मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, क्या आपका कोई साथी अब जो व्यापारी है वो उत्तर प्रदेश आएगा? देखिए व्यापारी को तो जीना है तो उत्तर प्रदेश आना ही पड़ेगा, लेकिन मैं जो गोरखपुर की घटना है उसके पीछे जो एक उद्देश्य जो है या कारक है, कारण मैं बताऊं, वो कारण ये है कि आज पुलिस जो अनियंत्रित हो रही है, और मैं फिर जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि सारी पुलिस दागदार नहीं है, मैं भी पुलिस का बहुत सम्मान करता हूं, बिना पुलिस के न प्रदेश चलेगा न देश चलेगा न ये सामाजिक व्यवस्था चलेगी। ईमानदार पुलिस वाले हैं जी, ईमानदार पुलिस वाले हैं, लेकिन जब प्रदेश का मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि अपराध करने वाले प्रदेश के बाहर जाएंगे या ऊपर जाएंगे, तो वो न्याय व्यवस्था का अपमान करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे पुलिस वालों को जो वर्दी के भेष में गुंडे के रूप में काम करते हैं उनको वो अनियंत्रित करते हैं, उनको वो फ्री करते हैं कि वो इस तरह से हत्याएं करते रहें पुलिस की वर्दी की आड़ में। और ये हत्याएं इस तरह की, इसके पीछे एक बड़ा भ्रष्टाचार है, पैसे की वसूली है, और अनायास जो है आम जनता को तंग करना और उसके बदले में पैसा प्राप्त करना होता है। जो मनीष गुप्ता जी के साथ हुआ मेरे ख्याल से उसके पीछे भी यही कारण रहा होगा, उस होटल में जो बार बार वो जाते हैं रेड मारते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है होटल का मालिक भी हो सकता है उसमें मिला जुला हो, या ना वो तो खुद परेशान है, जो खबर निकल कर आई है कि वो खुद इन पुलिस वालों से परेशान था क्योंकि ये बार बार उसी होटल में जाते जी। लेकिन आश्चर्यजनक ये है कि हम पुलिस वालों की तारीफ करें या सरकार का हम निंदा करें, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम प्रश्न चिन्ह कर रही खड़ा कर रही हैं सरकार पे भी और पुलिस पे भी, पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं,
कि जिन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जगत नारायण सिंह पहले भी 3 हत्या में आरोपी हैं, जगत नारायण एफआईआर जो लिखी है उसमें उनके पिताजी का नाम नहीं है और वो फरार हो गए हैं, फरार होने के बाद भी पुलिस वाला गुंडा और गुंडा में फर्क क्यों कर रही है पुलिस और या उत्तर प्रदेश सरकार, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं उनके घरों के बुलडोजर से ढहाए गए और वो कैसे भाग गए, कहाँ भाग गए? उनका मुख्यमंत्री का ये कहना था कि हमारी जो है जो कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है, हम पाताल से भी अपराधी को ढूंढ लाएंगे, तो वो पाताल में गए कि आसमान में गए, कहाँ चले गए? जब ढूंढ के ला सकते हैं क्यों नहीं लाए? और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि पहली बार 4.5 साल में मुझे हमारी नेता जो है प्रियंका गांधी जी ने इस मामले को भी बढ़िया मजबूती से उठाया, पीड़ित परिवार के पत्नी से, मनीष गुप्ता जी की पत्नी से उन्होंने बात किया, हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिया। तो पहली बार सरकार के नाम पे या विपक्ष के नाम पे कोई किसी पीड़ित के घर पहुंचा, ये मतलब ये प्रियंका गांधी जी का प्रभाव है और हमें आशा है कि पूरी सरकार जो है आने वाले समय में हमारे नेता प्रियंका गांधी जी की कार्यशैली को जो है वो देखेंगी और वो जगह जगह जो है वो पहुंचेंगी, ये हमें उम्मीद है। और चुनाव में भी जो है पूरी सरकार अब बाहर दिखेगी, कोरोना काल में गायब थी, ठीक है सर, अब वो बाहर दिखेगी। ठीक है, मैं आता हूँ। नवेश शिकोह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, पहले से पत्रकारिता कर रहे हैं और हम लोग भी आपसे काफी कुछ सीखते हैं। सवाल सर मेरा इतना सा है कि जब ये घटना हुई है तो मनीष गुप्ता की पत्नी ने ये क्यों कहा कि उसे गोरखपुर की पुलिस पर भरोसा नहीं है, इस पूरे मामले को कानपुर ट्रांसफर कर दिया जाए? और ये जो मामला हुआ है इससे साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं सरकार घिरी हुई है, इसी वजह से शायद कोई भी नेता मंत्री बीजेपी का उस महिला के घर नहीं गया। क्या मैं सही हूँ? ये बात सही है कि इस हत्या और इस मौत के बाद जो तमाम बयान आए, जो तमाम फुटेज आए, जो तमाम वीडियो आए, ये सब ये बताते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा संदिग्ध मामला है और वहां की पुलिस काबिले भरोसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उस महिला ने अगर इस तरह की बात उठाई है तो वो सारी तस्वीरें देख के, तमाम बयान देख के उन्हें ये लगा कि वहां पे न्याय नहीं हो पाएगा। ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल की जो सरकार रही, जो योगी सरकार रही, उसकी यूएसपी, उसकी सबसे बड़ी ताकत जो सरकार के पक्ष में कही जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था हमने सबसे बेहतर की, ये दावे किए जाते हैं योगी सरकार के। किसी हद तक ये बात सही भी है। आपराधिक घटनाएं कुछ कम भी हुई, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं वो बहुत गंभीर हुई हैं और उसका सवाल उठना लाजमी है। सबसे बड़ा सवाल इस बात का ही है कि गोरखपुर में यह घटना घटती है, सबसे महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है कि सरकार का यह काम होता है कि किस अधिकारी को कहां पर लगाया जाए, कहां पर किसका महत्व है। पूरे तन मन धन से और पूरे तरीके से मंथन करके यह तय किया जाता होगा कि गोरखपुर में कौन से अधिकारियों को लगाया जाए। बड़ी जिम्मेदारी है, सबकी निगाहें रहती हैं। यानी आपने अगर गोरखपुर में इस तरह के पुलिसकर्मियों को तैनात किया है तो पूरे प्रदेश में आपने किस तरह के लोगों को तैनात किया होगा। ये सवाल उठना लाजमी है। बात सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बात ये नहीं है कि चुनाव की घोषणा 3 महीने बाद 4 महीने बाद होने वाली है। ये आम जनता भी प्रश्न उठाएगी, सवाल उठेंगे और बात ये दूर तलक जाएगी, क्योंकि हम हमारे जैसे आम पूरे प्रदेशवासी सरकार के बयान सुन रहे हैं, इस बात को महसूस भी कर रहे हैं कि सरकार कह रही है कि 4.5 साल की गवर्नेंस की सबसे बड़ी पूंजी लॉ एंड ऑर्डर है, हमने सुरक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर कर दी कि इसको इतिहास याद रखेगा। उत्तर प्रदेश का पूरा अतीत में जाइए, इतनी खराब कानून व्यवस्था थी, हमने सबको सुधार दिया, ये दावा है, ये हमें अखबारों में नजर आता है, हमें प्रदेश के मुखिया ये बयान देते हैं, हमें बीजेपी प्रवक्ता ये बताते हैं, हम मानते भी हैं, मैं कह दे रहा हूं और तमाम लोग कह रहे हैं संगठित अपराध कम हुए हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन
ये जो अपराध, मैं समझता हूं इस तरह के अपराध संगठित अपराधों से भी खतरनाक है। अगर प्रदेश की जनता गुंडों बदमाशों से डरती है, ये बड़ी सोचनीय स्थिति होती है। लेकिन अगर पुलिस से जनता डरने लगेगी, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात हो जाएगी। और एक घटना ही नहीं हुई है, कई घटनाएं हुई हैं योगी सरकार के कार्यकाल में, जिसमें पुलिस एक विलन के तौर पे हमारे सामने खड़ी हुई है। ये मैं समझता हूं कि इस बात पर विचार करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, इस बात पे विचार करना पड़ेगा योगी सरकार को। योगी सरकार का बयान आता है इस घटना के बाद, जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा बयान आता है सरकार का कि साहब अब हम बड़ा सोच समझ के लोगों की पोस्टिंग देंगे, ताकि लोग कभी भी हम कुर्सी पर नहीं बैठाएंगे, उनका रिकॉर्ड देखा जाएगा। लेकिन इससे पहले 4.5 साल तक क्या आंख बंद किए हुए थे कि ऐसे ऐसे पुलिसकर्मी, ऐसे ऐसे अधिकारियों को इतनी महत्वपूर्ण जगहों पर बैठाए हुए हैं, कोई ना कोई एरर तो है, कोई ना कोई चूक तो है। मुझे बहुत अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बात रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमारी बहुत सारी खूबियों पर पानी फिर रहा है। बल्कि उन्होंने और भी कड़ा शब्द इस्तेमाल किया कि हमारा बहुत सारी खूबियां जो है वो कलंकित हो रही है। अच्छा लगा, स्वीकार किया। लेकिन इस बात को भी उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो पोस्टिंग है इस पर हम आंख बूंदे हुए थे। हमने गोरखपुर में ऐसे अधिकारियों को तैनात कर दिया जो अपराधी के तौर पर पूरे देश में बदनाम हो रहे हैं। क्या छवि होगी सरकार की? ठीक है सर, तमाम उपलब्धियों पर किस तरीके से पानी फिर गया, एक बार और समीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ सर। शाही साहब, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा और ये पूछना चाहूंगा कि आखिर अधिकारियों के अंदर डर क्यों नहीं आ रहा। एक आज अभी थोड़ी देर पहले एक सर्वे हुआ है सीएम कार्यालय की तरफ से, और जिसमें ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि करीब 14 डीएम और 16 एसपी एसएसपी ऐसे हैं जिन्होंने जब रियलिटी चेक उनका हुआ तो उन्होंने फोन नहीं उठाया है। ये अधिकारियों के अंदर आप लोगों का डर क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल है। और शायद इसी वजह से इस तरह की जो घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं। नितिन जी, ये देखिए, डर का मामला नहीं होता है, सरकार और शासन और सरकार का जो है एक सामंजस्य होता है। अधिकारी हमारे वही हैं, उसमें कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, सब मान इसमें सबको लेके चलना पड़ेगा। जो अभी ये पहली सरकार होगी जिसने अपने अधिकारियों के लिए समीक्षा के लिए एक टीम का, दो टीम का गठन किया है कि जो लोग भी अगर कहीं दोषी पाए जा रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये दुर्घटनाएं जो अभी सिको साहब ने कहा कि सच है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, और गुंडे बदमाश और माफियाओं से लोग डरे तो एक बार समझा जा सकता है, सुना जा सकता है, लेकिन पुलिस से जनता को दहशत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, पुलिस से जनता को दहशत नहीं है, पुलिस जनता की रक्षा के लिए है। ये घटना जो हुई है, और कुछ अधिकारी इस तरीके के हैं अभी भी, देखिए हमारे पास जो प्रदेश में, नितिन जी मैं सर आता हूँ आपके पास। एक्चुअली आशीष जो कि मनीष के भांजे हैं वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, और कहीं ना कहीं घटना के बारे में इनको भी बहुत सारी जानकारी है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? फोन कट गया है, मैं अभी फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। तब तक शाही साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। चीजें जो है, अधिकारी, मैं कह रहा था नितिन जी कि अधिकारी उसी उतने एक लिमिटेड है, नई भर्ती होती है, सब उसी में काम चलाना पड़ता है। अब उसका परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है, जैसे क्या है, अभी हमारे दो लोगों ने कहा कि वो तीन तीन उसमें कस्टडी में उनकी मौत हुई थी, तो उसकी जांच चल रही है। ऐसा नहीं है, जांच में अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनकी सजा होगी, और सजा हुई है, आजीवन कारावास भी हुआ है इसी उत्तर प्रदेश में। और मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा तो हमारी इसी सरकार में कई ऐसे पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी है जिनको सजा हुई है, तो इसको हम नहीं कहेंगे, ये सतत एक प्रक्रिया है। इसमें हाँ, इसमें सुधार की जरूर जरूरत है नितिन जी, मैं सहमत हूँ आपसे, इसमें और कड़ा करने की जरूरत है, प्रशासन को और टाइट करने की जरूरत है, जिससे कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि संगठित अपराध रुका है, उसी तरीके से पुलिस मित्र पुलिस होते हुए अपने कामों को। शाही साहब मैं रुकूंगा, आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष के भांजे हैं।
आशीष बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हालांकि ये वक्त ऐसा नहीं कि आपसे बात करी जा सके, लेकिन हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की आपसे कि क्या माहौल था उस वक्त और क्या जानकारी आप लोगों को शुरुआत में मिली थी, प्लीज हमसे जरूर साझा करिए। भैया जानकारी तो ऐसे मिली कि आप बस एक्सीडेंट सा हो गया है, ऐसे बस जानकारी मिली कि बस मतलब मामा जी हमारे घर में, ऐसी जानकारी मिली। और फिर वहां से पहुंच के मतलब बहुत ही ऐसा माहौल था कि चारों तरफ पुलिस 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 थी और सब यही बोल रहे थे कि आप मतलब शव को लेके जाइए और पहले जांच होगी, फिर उसके बाद में कुछ होगा। मतलब कोई ना रिपोर्ट लिखने को तैयार था, ना कोई बात सुनने को तैयार था। अच्छा। तो यही सब चल रहा था वहाँ पे। पुलिस वाले क्या कह रहे थे कि वो मामला दर्ज करेंगे, रिपोर्ट दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे? पुलिस वाले बस यही कह रहे थे कि एक्चुअली ऑन ड्यूटी थे पुलिस वाले और हम उनके खिलाफ ऐसे रिपोर्ट नहीं दर्ज करेंगे, और ये कह रहे थे कि मतलब रिपोर्ट नहीं दर्ज करेंगे, पहले जांच होगी और कमेटी बैठेगी, उसके बाद ही कुछ मतलब कि किया जाएगा। ऐसे वो कुछ भी मतलब रिपोर्ट के FIR तक लिखने के लिए तैयार नहीं थे, कह रहे थे एक बस आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, बाकी का वो बाद में देखा जाएगा। आप गोरखपुर गए थे? जी भैया, रात में ही गोरखपुर में। क्या था वहाँ माहौल, क्या था जब आप गोरखपुर पहुँचे उस कमरे पर? मैं पहुँचा तो भैया इतनी सारी गाड़ियाँ वहाँ पे लगी थी पुलिस वाले और वहाँ मतलब पूरी मतलब सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। बस ये हो रहा था कि मतलब एक्सीडेंट हो गया, गिर गए हैं, ऐसी चोट लग गई है, और मतलब कोई मानने को तैयार नहीं था कि यहाँ पे पुलिस की गलती है, किसकी गलती है। बस ये कहा जाए कि आप जाइए लेकर और एप्लीकेशन दे दीजिए, कोई भी दिक्कत है आप एप्लीकेशन दे दीजिए और वो बाद में देखा जाएगा, और इसको यहीं पे लेके जाइए, बस ये कहना चाह रहे थे वो लोग। अच्छा, कल CM साहब से मुलाकात हुई है मीनाक्षी जी की, क्या बातचीत हुई उसमें और क्या आप लोगों ने अपनी जो शिकायतें थी वो उनसे बताई? देखिए मुलाकात जब हुई उनसे तो उनसे उन्होंने आश्वासन दिया कि मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और CBI जांच भी करने के लिए बोला है उन्होंने, और ये भी बोला है कि मतलब मुआवजा भी दिया है 10 लाख रुपए, और बोला कि अभी और भी मुआवजा दिया जाएगा और नौकरी की भी बात हुई है मालिक जी के। अच्छा चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और कृपया करके मीनाक्षी जी का और बच्चों का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। शाही साहब, सुना आपने, आशीष थे ये मनीष के, जो मृतक मनीष हैं उनके भांजे थे, और उन्होंने बताया कि जब ये मौके पर पहुंचे तो पुलिस वाले इनसे क्या कह रहे थे, कैसे भरोसा किया जाए? क्योंकि एक दुखद मृत्यु हुई है और इसको संवेदना से सिर्फ नहीं भरा जा सकता है, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसले लिए हैं, मृतक के की पत्नी जो है, जो बहुत मजबूती से अपने दिल को मजबूत करकर इसके खिलाफ आवाज उठाकर वो लड़ भी रही हैं, उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक गार्जियन की तरह, उनको कुछ कहना नहीं पड़ा, उन्होंने CBI जांच की संस्तुति की तो उनसे पत्रक मांगा गया, उनकी नौकरी के लिए कहा गया तो उनको OSD की नौकरी की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जो पैसे सरकार की तरफ से हैं अभी आप स्वीकार कीजिए और आएंगे, तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने मुंह से माना है और इस तरीके के बयान कई जगह आए हुए हैं। लेकिन फिर भी अभी उससे इतर मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा परिवार 23 करोड़ जनता है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेते हैं, और अगर उनके पूरे प्रदेश में वो अपराध के खिलाफ है, तो अगर उनके गृह नगर में हुआ है ये कांड तो आज से नहीं, पिछले 25 सालों से योगी जी को हम लोग पर्सनली जान रहे हैं। क्या उनकी हनक है, क्या उनकी चीजें हैं, कोई भी पुलिस वाला वहां होगा या कोई भी अधिकारी होगा, वहां पर ऐसे ऐसे अधिकारी वहां भर्ती हैं जिनका इतिहास रहा है। मैं नाम लेना चाहता हूं अखिल कुमार जी का, वो जहां भी रहे हैं बहुत ही बेहतर रहे हैं, हमारे लखनऊ में भी रहे हैं वो, उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर संदेह नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर, मैं लेकिन नितिन जी थोड़ा समय दीजिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है, अब इस घटना को किसी तरीके से हम लोग अगर उनके अधिकारियों को कर्मचारियों को सजा दिलाकर ही पूरा किया जा सकता है, वो भरा नहीं जा सकता। ठीक है सर, ठीक है। आकाश मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप अश्विनी साई साहब की बात से सहमत हैं और आशीष जो कि मनीष के भांजे थे उनकी बातें भी आपने सुनी,
दोनों में से किसकी बात ज्यादा सही लगी आप? देखिए मैं इस पे आता हूँ, आपकी बात का उत्तर भी देता हूँ, लेकिन समझना होगा हमको कि एक विवेक तिवारी का कांड हुआ था, बाद में जो भी मुआवजा दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो, कुछ दिन वो टीवी चैनल्स पे चला, उसके बाद वो बंद हो गया, और आज शायद मेरी जानकारी के हिसाब से उनके जो कल्प्रिट थे उनको बेल मिल गई और उनको ले आम आराम से टहल रहे हैं, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा हाथरस में बच्ची का बलात्कार होता है, दलित बच्ची का, रात में उसको जला दिया जाता है, और इन्हीं अधिकारियों की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि बलात्कार हुआ ही नहीं, बाद में सीबीआई जांच होती है तो फिर ये खुलासा होता है कि ये बलात्कार हुआ था। तो आप देख लीजिए वही मॉडस ऑपरेंडी पुलिस की यहां भी देखने को मिली है, इन्होंने पहले ही आते ही कह दिया, जांच भी नहीं हुई, कुछ पता भी नहीं किया, कुछ पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, और वैसे ही कह दिया कि ये तो साहब गिर गए और इनके सर पे चोट लग गई। अब बाद में जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि शरीर में इनके कई जगह बहुत जबरदस्त तरीके से इनको लहूलुहान किया गया, और जहां तक जो पता चला है जो सिंह साहब थे वो काफी ड्रंक भी किए हुए थे और उन्होंने शराब के नशे में। ड्रंक और शराब से मुझे एक बात और पता चली, याद आई है कि कल गोरखपुर में एक और कांड हुआ है, 6 लोगों ने एक मॉडल शॉप के वेटर को भी उसी थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है। अब मेरी बात मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए आप। तो देखिए ये बहुत ही दुखद है, आपको सोचना होगा और आदमी को रियलाइज करना होगा, अपने आप को उसकी जगह रखकर देखना होगा। मैं आपको बताऊं जो पहली बार मैंने मीनाक्षी जी का वीडियो देखा मैं बहुत देर तक डिस्टर्ब रहा, क्यों? उसका रीजन है, मैंने उनके बारे में पता किया, मनीष जी के एक सिस्टर हैं, मनीष जी पहले आगरा में नौकरी करते थे, इनकी मदर खत्म हो गई तो मनीष जी की सिस्टर ने इनको फोन किया और कहा कि भैया आप जो है अब कैसे, फादर अकेले हैं, बुजुर्ग हैं, तो मनीष जी ने अपनी वहां की जॉब छोड़ दी और फिर वो आप समझिए वापस कानपुर आ गए। तो बुजुर्ग पिताजी हैं, पत्नी है, 4 साल का बेटा है, इस स्थिति को अगर आप विजुलाइज करके सोचेंगे और देखेंगे तो शायद ये मुआवजा वगैरह कोई भी इसकी भरपाई नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज मैं एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट ये कहना चाहूंगा सर कि ये जो पुलिस की ट्रेनिंग है इसमें भी एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने जो मुझे बताया कि पहले हमारी जो फोर्स थी करीब उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख की पुलिस फोर्स थी, जो अब बढ़ के करीब 2.5 लाख के आसपास आ चुकी है, और ये जो 1 लाख पुलिस फोर्स की जो ट्रेनिंग हुई है वो जो रूटीन ट्रेनिंग होती है उससे कई महीनों की कमी है, उसमें शायद 1-3 महीनों की कमी है उस ट्रेनिंग में भी। तो जहां तक मुझे लगता है एक ट्रेनिंग भी जिम्मेदार है। दूसरा एक और रीजन है, आपको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा, अभी आपने ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव देखे, अभी आपने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव देखे, एक एसपी किस तरीके से असहाय होकर कहता है कि भाई साहब मुझे थप्पड़ मारा, ये बीजेपी वाले बम और अड्डे लेकर आए हैं, ये भी सबने देखा, आप वो विडंबना भी पुलिस की समझ सकते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में भी सुधार होना चाहिए, और एनसीआरबी के डेटा आज जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश आज हत्या में नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश आज बलात्कार में नंबर 1 पर है, कल माननीय सांसद संजय सिंह जी भी कानपुर गए थे, पीड़ित परिवार के लिए सहानुभूति है उनकी, और उनका दर्द नहीं शेयर किया जा सकता, मैं सिर्फ इतना कहूंगा उनका दर्द नहीं शेयर किया जा सकता, और दुखद यह है कि अभी ये कुछ दिन चलेगा मीडिया में और उसके बाद ये सब कुछ गायब हो जाएगा, उनको जो अब उनकी जिंदगी में और जो उनके बच्चों की जिंदगी में जो मुसीबतें आने वाली उनको मनीष जी साझा करने के लिए नहीं आएंगे, उनको उनके परिवार को अकेले देखना पड़ेगा, बुजुर्ग उनके जो पिताजी हैं उनकी भी दिक्कतें होंगी, वो भी उनको अकेले देखनी पड़ेगी, तो शायद हम लोगों को अब इस एंगल से सोचना पड़ेगा इन सब। संजय जी मैं आपके पास आऊंगा, क्या अब कोई व्यापारी किसी दूसरे जिले में जाकर अपना तकादा, अपना जो उसका पैसा है वो ले पाएगा? देखिए इसका जवाब तो मैंने पहले भी दे दिया है कि पेट ऐसी चीज है कि आदमी जो है सामने मौत भी होगी तो भी वो अपना मूवमेंट तो रोक नहीं सकता है, सवाल आदमी के मूवमेंट का नहीं है, सवाल है इस व्यवस्था को सुधारने का। आशीष की भी बातें अभी सुनी, आशीष ने जिस तरह से बताया कि जब वो मौके पर पहुंचे तो ये कहा गया कि वो गिर गए थे इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई जी, और रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही। देखिए आप तो पूरा मामला आप देखिए ना, और पूरा मामला क्या, इस पूरे मामले में अगर कुछ थोड़ा सा ठीक अगर दिख रहा है तो वो है कंपनसेशन मुख्यमंत्री द्वारा, नहीं तो अभी भी कुछ ठीक नहीं है भाई। उसमें डीएम और एसएसपी जो है दोनों लोग लगे हुए थे मामले की लीपापोती करने में, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, 7 आईपीएस के ट्रांसफर हुए हैं और डीएम एसएसपी पे कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय से मैं कहूंगा कि इस मामले को सोमोटो जो है वो संज्ञान ले और जो है इसमें डीएम और एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई हो, कम से कम वहां से तुरंत हटाया जाना चाहिए था। दूसरा एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर 3 हत्या के मामले चल रहे हो वो कैसे चार्ज पे था, ये तो अपने आप में बड़ा प्रश्न है ना। और उसके बाद रही बात पुलिस की, तो पुलिस को कहीं ना कहीं हम
हवा दे रहे हैं अनियंत्रित होने के लिए कि वो इस तरह के कांड करे, क्योंकि अगर हम उसको संरक्षण देते हैं तो बाकी और लोगों की प्रेरणा स्रोत बनते हैं, बाकी और वर्दी में छुपे गुंडे को जो है हम प्रेरणा देते हैं कि नहीं आप भी करो ऐसा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बेलगाम पुलिस नहीं होती। हाथरस में जो हुआ रातों रात जला दिया गया, उस समय भी डीएम पे कोई कार्रवाई नहीं, ना डीएम का ट्रांसफर तक नहीं हुआ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद डीएम वहां का बना रहा, ये किसके उस पे हुआ? ये तो मुख्यमंत्री के हाथ में है ना। तो मुख्यमंत्री कुल मिला के कंपनसेशन दे के पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, जिस दिशा में कानून व्यवस्था का सुधार करने का प्रयास होना चाहिए, कहीं से भाजपा शासन भाजपा सरकार उस दिशा में काम नहीं कर रही, केवल कंपनसेशन के माध्यम। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी जाति वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश भी हुई है इस मामले में, या कहा जाए कि जो जिनके ऊपर हत्या के आरोप लगे हैं, नहीं तो वो तीन हत्या करने के बाद वो कुर्सी पे बने हुए थे, ये आश्चर्यजनक है। ठीक है, हम आते हैं वापस। जी आकाश जी क्या कह रहे थे, उसके बाद हम शाही साहब के पास चलेंगे और नवीन भाई। मेरी दो बातें हैं, मैं दो बातें रखना चाहता हूँ। देखिए बड़ी विडंबना है कि पहले एक सरकार आती है समाजवादी पार्टी की सरकार, तो थानों में पोस्टिंग एक जाति की होने लगती है और उस जाति को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, एक जाति के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आप देख लीजिए आज थानों में जो नियुक्ति है सचोज की, वो एक जाति के ऊपर मेहरबान बनते हैं और वो भी जो है वो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में जुड़े होते हैं। और एक बात बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता है कि आज जो डीएम है गोरखपुर के, आप पता कर लीजिएगा, पंचायती राज में घोटाला हुआ तब भी वो वहां थे, बेसिक शिक्षा में घोटाला हुआ तब भी वहां थे, और धर्म के नाम पर धंधा, अभी सीएजी ने कहा कि कुंभ मेले में घोटाला हुआ उसकी भी व्यवस्था ये जो विजय नितिन आनंद है इनके पास, विजय किरण आनंद, विजय किरण आनंद मतलब ये बीच में, सॉरी 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 विजय किरण आनंद, तो अभी भी वो वहां पोस्टेड है। तो इसका मतलब, और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो बीजेपी में रसूखदार किसी के रिश्तेदार भी हैं, तो क्या जांच सही दिशा में हो पाएगी, मेरा प्रश्न। ठीक है सर, ठीक है सर। नवेद सर मैं आपके पास आऊंगा, आपने सुना अभी आशीष की बातें, आशीष क्या क्या बता रहे थे कि जब वो मौके पर पहुंचे उस रात तो पुलिस कह रही थी कि हम मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते, आप हमें एक लेटर दे दीजिए, हम देखेंगे आगे क्या किया जाए, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, पुलिस की भूमिका तो संदिग्ध है, तो बार बार कही जा रही है, सब लोग स्वीकार रहे हैं। मुख्य चीज सरकार से जुड़ी हुई जो चर्चाएं हो रही हैं, मुख्य मुद्दा वो, देखिए खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार है, किसी भी दल की सरकार है, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती, सबसे बड़ी जो एक हुनर होता है सरकार चलाने का यूपी में, वो पुलिस को कमांड, पुलिस पर आपका कितना काबू, पुलिस से आप किस तरीके से काम लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी किसी भी पार्टी का जनसमर्थन बढ़, लोकल पुलिस की क्या स्थिति थी, किस तरीके से जनता के साथ पुलिस का बिहेव था, किस तरह से उसको न्याय मिलता था, किस तरह, ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूं कि जिसने भी जनता का विश्वास जीता उसने पुलिस के साथ में उस सरकार ने सामंजस्य बना के रखा। और मैं समझता हूं कि ये जरूर किसी भी सरकार, चाहे वो योगी सरकार हो या पिछली सरकारें हो, इस बात पे गौर किया जाता है कि पुलिस सरकार के कभी कभी क्या होता है कि सरकार की नियत गड़बड़ नहीं होती है, वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जातिवादी मामले होते हैं, धर्म के मामले होते हैं, किसी जाति विशेष के मामले होते हैं, और वो हर सरकार में होते हैं, मुलायम सरकार में भी रहे, अखिलेश सरकार में भी रहे, मायावती सरकार में रहे, और योगी सरकार में भी है, जहां जाति से जोड़ा जाता है मामला, और इस कटु सत्य को कोई विश्वास कोई भी झूठ ला नहीं सकता, क्योंकि थाने में तैनाती बता देती है कि हम किस जाति का सपोर्ट कर रहे हैं और कौन किसकी फॉलोइंग, यानी किसका जनसमर्थन है, हमें उसको खुश करना, वो बातें अलग है, वो मुद्दा अलग है। मुख्य चीज ये है कि योगी सरकार ने भी कोशिश की है कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन जब हम कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, सरकार जब कोशिश करती है तो उसको पुलिस को बहुत सारे अधिकार देने पड़ते हैं, बहुत सारी छूट देनी पड़ती है, लेकिन बस यही पर एक सामंजस्य बनाना होता है। यहां पर अगर हम सामंजस्य नहीं बना पाए और अधिकारों का पड़ा ज्यादा भारी हो गया तो वहां डिसबैलेंस हो जाता है और इस तरह की घटनाएं घटने लगती हैं। भाई जब आप पुलिस को चुनाव में अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी लोगों को अधिकार देने पड़ेंगे, आपके वो शिकायतें कह दीजिए मैं गलत हूं, सबने देखा आरोप है, बिल्कुल ये सारी बातें आपकी अपनी जगह सही है, आपने अपना तथ्य रखा है, वो बात अपने आप में सही है,
लेकिन ये बात जरूर है कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की घटना घटे, कतई नहीं चाहेगा जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं चूक होगी। लेकिन अभी जिस तरह की छूट दी जा रही है, अभी जिस तरह की छूट दी जा रही है डीएमएसएसपी पे, जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरह से उस अभियुक्त की पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्या आप संतुष्ट हैं उस कार्रवाई से? नहीं, संतुष्ट कोई नहीं है, पूरा प्रदेश संतुष्ट तो नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। भाजपा ये जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री पर ही है ना। एक 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 इस डिबेट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू जो रहा, भाजपा जो प्रवक्ता ने जो इस सवाल के जवाब में शुरुआती दौर में रखी थी, मैं इसको इस डिबेट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रखते हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि कार्रवाई उस सख्ती से क्यों नहीं हो रही है, भाजपा प्रवक्ता ने अभी एक बात बड़ी टेक्निकली कही, उन्होंने कहा कि अभी हम कार्रवाई इसलिए नहीं करेंगे, अरेस्टिंग हो जाती है तो जमानत, वो बड़ा टेक्निकल एक रीजन बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम बड़ी से बड़ी सजा देना चाहते हैं, ये तो सरकार की मंशा जमानत इसकी इनकी इस मुद्दे समय बीतने दीजिए ना, आप चर्चा करेंगे ना, हम करेंगे ना, टीवी पे होगी। जमानत का अर्थ ये नहीं होता है कि आदमी जो है उस चार्जशीट में जो है दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हाँ, चार्ज पुलिस अपना काम करती रहती है, कोई जमानत ले ले वो तो एंट्रीम बेल के बाहर फिर घूम सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो सजा मुक्त हो गए। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, सीनियर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, मुख्यमंत्री अपना काम करता रहता है, न्यायपालिका अपना काम करती है। मैं आता हूँ आप सबके पास, आता हूँ शाही साहब के पास चलेंगे। शाही साहब, बहुत देर से आप कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ जवाब देना चाह रहे थे, क्या जवाब? सर्वप्रथम मैं इस चीज को मानते हुए कि दुखद घटना हुई है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं कि अभी कुछ आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के लोगों ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया। देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग वहां पहुंचकर मृतक के घर पर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, इस तरीके की चीजें भी नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा दो तीन चीजें, आजम खान साहब ने मंत्री रहते हुए ये कहा था सदन में कि 1044 पुलिस वालों के ऊपर हमले हुए हैं इस सरकार में, आज वो हमले होने बंद हुए हैं, यानी कि संगठित अपराध खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में। ये सदन की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूं, ये उसी सरकार की बात है, राजनीति नहीं हो रही थी, राजनीति करना उन लोगों को, एक अंबेडकर नगर के नेता हुआ करते थे, आज उनकी पत्नी वर्तमान में विधायक है संजू देवी, राम बाबू गुप्ता की हत्या होती है हिंदुआ वाहिनी के कार्यकर्ता से, वो उनके घर कोई नेता पूछने नहीं जाता है, सत्ता का नेता की मैं बात कर रहा हूँ। मनीष गुप्ता ने अभी 4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, आपके ही कार्यकर्ता थे भाई वो, पता करिएगा। अरे भाई रुक जाइए ना, कब हुई थी हत्या आपको पता है? जब नहीं पता है तो बीच में मत बोला कि मनीष गुप्ता जी की बात कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, शांत रहिए थोड़ा सा, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। तो वहां पर कोई नहीं गया, और 2 महीने में 2 और हत्याएं उनके परिवार की होती है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते, ना मुख्यमंत्री गए ना कोई गया। यहाँ देखिए 3 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे पहले मुख्यमंत्री जी कब गए थे? हाथरस की घटना हुई थी, मुख्यमंत्री गए थे वहाँ। हाथरस की घटना को आप लोगों ने देश के सामने उस महिला का जो है मजाक बनाया, मेरे पास वीडियो आज भी मौजूद है, लोग कहते हैं मजाक, रात में पुलिस वालों ने जला दिया, आप कह रहे हैं मजाक बनाया, डीएम पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एसएसपी पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मजाक, हम लोगों ने बनाया, हम लोग सत्ता में नहीं है, सत्ता में भाजपा है, विपक्ष ने कर दिया तो कार्रवाई हो जाएगी, सत्ता में भाजपा है तो छोड़ा नहीं जाएगा। अरे रहेगा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, विपक्ष सवाल उठाएगा, आप विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार खत्म नहीं कर सकते हैं। तानाशाही रवैया छोड़िए, सवालों के जवाब दीजिए, डीएम एसएसपी पे क्या कार्रवाई हो रही है? ये कौन बोल रहा मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति करना छोड़िए आप लोग। डीएम एसएसपी पे कार्रवाई कब हो रही है शाही जी, बता दीजिए। उस हाथरस की राजनीति नहीं, सीधा सा सवाल। जब उसकी अच्छा, मैं आप सबसे 2 मिनट का समय चाहूंगा, क्योंकि मीनाक्षी गुप्ता, मनीष गुप्ता की पत्नी, शाही साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज शाही साहब, मीनाक्षी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई है, मीनाक्षी गुप्ता से हम बात करेंगे। मीनाक्षी जी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। हालांकि ये समय नहीं है कि आपसे बात करी जाए, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपके दर्द को थोड़ा सा जरूर हमसे साझा जरूर करिए। उस दौरान कब आपको क्या पता चला, मौके पर क्या हुआ था, और जब आप मौके पर पहुंची तो क्या स्थितियां थी वहां पर? देखिए
देखिए कैसे क्या हुआ ये मैं कई बार आप सभी को बता चुकी हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, उस चीज को बार बार मत पूछिए। वहाँ पहुँच के मुझे क्या हुआ उसकी बात रही, तो वहाँ मुझे स्कूल ऑफ पुलिस से जो सहायता चाहिए थी, जो मदद चाहिए थी, वो नहीं मिली। जबकि सीएम जी ने पहले ही ये निर्देश सुबह ही दे दिया था कि इनकी पोस्टमार्टम पैनल के थ्रू होगी और इनकी एफआईआर दर्ज की जाए, जबकि सुबह कह देने के बाद भी गोरखपुर पुलिस ने साथ नहीं दिया, ना मेरी एफआईआर आसानी से दर्ज करवाई और पैनल भी मैंने बोला, तो कुछ चीजें ऐसी थी कि दिक्कत थी वहाँ। मैं और मेरे बुजुर्ग पिताजी, बुजुर्ग ससुर जी और मेरे 4 साल का बेटा और मेरा भांजा गया था, तो उस समय मैं बहुत हताश और अकेली थी। तो मुझे अपने पति को देख के बहुत ही बुरा लगा कि वो शायद पुलिस वालों ने मिलकर इतनी बेरहमी से मारा है, मतलब इतनी बुरी तरह, ऐसे हर डिग्री कौन देता है, वो भी सिर्फ चेकिंग के लिए, ऐसा क्या उन्होंने बोल दिया। यही तो बोला कि क्या मैं आतंकवादी हूँ जो इस तरह चेकिंग कर रहे हो, कोई भी पुलिस वाला गाली देगा, कोई भी बदतमीजी करेगा रात के 12:30 बजे, तो जो सो रहा होगा इंसान, सो के उठेगा तो क्या बोलेगा, ऐसे ही कहेगा ना कि आप इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। इसी सी बात के लिए मेरे पति को मार दिया, इस बात का मुझे बहुत बेहद अफसोस है, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मैं आप सबसे मदद की गुहार लगाती हूँ कि प्लीज मुझे इंसाफ दिला दिया। बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे खुद के रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जा रहे हैं। मीनाक्षी जी बहुत 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 धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शाही साहब बात अपनी पूरी कीजिए, आपने सुना मीनाक्षी क्या कह रही थी। तो दुखद है, तो क्या कहने का, सुनने का मन ही कोई नहीं भर सकता, ये ऐसा दुख है जो कोई नहीं भर सकता। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं इनसे आगे दूसरा कोई सवाल नहीं पूछ पाया, और वो स्थिति भी नहीं है कि आप सवाल लें। बस इनको सरकार, ये आश्वासन मैं देना चाहूंगा कि सरकार तन्मयता से जुटी हुई है और इनको न्याय मिलेगा। शाही साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस के पास इतना राइट भी कैसे हो सकता है कि कोई आदमी अगर अपने घर में सो रहा है तो धड़ाधड़ पुलिस पहुंच जाती है, जबकि वो कोई अपराधी भी नहीं था, उसके घर में घुस जाती है, उसके कमरे में घुस जाती है। आप सबको इन सब चीजों पर विचार करना बहुत जरूरी है। एकदम जरूरी है। और पुलिस देखिए होता क्या है कि पुलिस मतलब कभी कभी रैंडम चेकिंग करती है, चेकिंग करना उनका काम है सर, खाली एक कमरे पे चेकिंग नहीं, एक कमरे की बात नहीं होती है, उसका सिस्टम ये होता है कि होटल के मालिक को लिया जाए, होटल में जितने लोग ठहरे हुए उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए और रैंडमली किसी कमरे की चेकिंग हो जाती है, ये पूरे देश। लेकिन इस सिस्टम में मारना और हत्या कर देना मारने के बाद वो नहीं होता है, चेकिंग होती है, अगर संदिग्ध लगते हैं तो उनको थाने ले जाकर पूछताछ होती है और उसके बाद उनको निर्दोष साबित होने पर छोड़ दिया जाता है। ये होता है पूरे देश में होता है नितिन जी, ये पुलिसिंग में ये चीज आती है। लेकिन उनको मारना सबसे बड़ा तो मानवाधिकार का उल्लंघन है, उन लोगों ने गलत किया मैं मान रहा हूं, तभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है और हम आज बैठकर मान रहे इस चीज को कि नहीं उन लोगों ने गलत किया है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि कतिपय पुलिस वालों के, थोड़े से पुलिस वालों के उसके चक्कर में पूरे प्रदेश की पुलिस को कटघरे में खड़ा करना भी वाजिब है। हम सबसे 30-30 सेकंड का लास्ट कमेंट लेंगे, उसके बाद इस डिबेट को फिनिश करेंगे। संजय सिंह जी 30 सेकंड, अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए सरकार की और कैसे इस सिस्टम को सुधारा जाए। देखिए मुझे तो सरकार से इस मामले में कोई उम्मीद नहीं दिख रही, मैं तो माननीय उच्च न्यायालय से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस मामले को संज्ञान लेकर अपनी निगरानी में इसकी CBI जांच कराएं, अन्यथा उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं। आकाश जी 30 सेकंड, सरकार से क्या कहना चाहेंगे और उस पूरे परिवार से, जनता से क्या कहना चाहिए। बहुत सारे मामले आए, हाथरस वाला हुआ, अभी ये कांड हुआ, इसके पहले विवेक तिवारी का कांड हुआ था, इसके पहले और इनका एक SP फरार है इंद्रमणि त्रिपाठी, जिसने व्यापारी से वसूली के चक्कर में व्यापारी ने आत्महत्या कर ली थी और वो जो पत्र लिखा था, वो लिखा था कि ये हमको मां जान से मारने की धमकी दे रहे हैं तो मैं खुद ही आत्महत्या करूं, वो भी फरार है। तो ये पुलिस आज यहां पहुंच चुकी है कि इनके SP तक को पकड़ नहीं पा रही, कई महीनों का केस हो गया। तो मैं चाहता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इसको ध्यान दे और ये जो आम आदमियों के साथ ये जो
हरकतें हो रही जिनका पूरा परिवार चौपट हो रहा है। आज हम सब ने सुना मीनाक्षी जी को, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ, सोच कर देखिए उस परिवार के बारे में जहाँ बुजुर्ग पिताजी हो और बच्चा 4 साल का हो, वो महिला किस तरीके से क्या करेगी। 4 दिन मीडिया भी बोलती है, 4 दिन रिश्तेदार संबंध वाले भी आकर घर पर बैठते हैं, उसके बाद अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, किस तरीके से वो कैसे वहन करेगी, ये भी सरकार को सोचना चाहिए था। 10 लाख रुपए दे देने से शायद काम नहीं चल पाएगा। शाही साहब 30 सेकंड क्या आश्वासन देना चाहेंगे? नितिन जी, हमारे भाई जो अभी कह रहे हैं कि 4 दिन बाद मीडिया बोलना बंद कर देगी और हम लोग बोलना बंद कर देंगे, उसके बाद कौन? उसके बाद सरकार, उसके बाद सरकार खड़ी है उनके साथ और अंत तक खड़ी रहेगी जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है। बस ठीक है सर। नवेद भाई 30 सेकंड में आप बताइए कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से। देखिए, अभी तक जो नजर आया है इस 4.5 साल की सरकार पे, बहुत शीर्ष स्तर पर पुलिस को इतनी छूट दे दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के नाम पर शीर्ष स्तर पे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस को इतनी छूट दे दी गई कि इनके जनप्रतिनिधि जो हैं भारतीय जनता पार्टी के और इनके कार्यकर्ता, इनकी भी ये शिकायतें हैं कि पुलिस हमारी नहीं सुनती। हम जब न्याय की गुहार लगाते हैं तो पुलिस हमारी भी, क्योंकि उसको बहुत ऊपर से मैसेज मिलता है कि जो मर्जी आए करो, कानून व्यवस्था सुधार दो। वो सामंजस्य ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारों का एक मॉडल है मायावती सरकार का। मैं मायावती सरकार को कतई पसंद नहीं करता था, तमाम उसमें खामियां थी, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर उसकी तारीफ करनी होगी। और एक मॉडल उसने पेश किया था मायावती सरकार ने, बहन मायावती की सरकार में एक चीज बेहतर थी कि कानून व्यवस्था भी बेहतर थी और पुलिस बेलगाम भी नहीं थी। ये दोनों चीजें साथ में होना जरूरी है और उस पर अमल करना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर बनाने के लिए कानून व्यवस्था भी बेहतर हो और पुलिस भी कम से कम हाथ, उसकी लगाम हाथ में सरकार के रहे, बेलगाम ना हो। ठीक है सर, सूबे का मुखिया खोखो की नीति पर काम करेगा तो यही होगा। ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आपने देखा कि आज की डिबेट में हमने प्रयास तो किया कि पूरे मामले को जाना जाए और कोशिश ये की जाए कि अब इसका निस्तारण कैसे हो। निस्तारण का तो नहीं पता, लेकिन हाँ इस बात पर जरूर चर्चा हो गई कि कमियां किसकी थी। लेकिन जब हमने उस पीड़ित परिवार से बात की, हमने मीनाक्षी से बात की, तो जाहिर सी बात है दूसरा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि जिस तरह से उस महिला से, उस मीनाक्षी से, उस पीड़ित मृतक की पत्नी से मेरी बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी समस्याएं हो रही थी। आज की डिबेट में इतना ही है, मेरी जनमति नमस्कार।